तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सांसों की माला जो सॉन्ग है उसकी फर्स्ट लाइन। तो हमें स्टार्ट करना है बी स्ट्रिंग के 11th फ्रेट से। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 11th फ्रेट से यहाँ से। तो एक बार यहाँ पहले स्लो प्ले करता हूँ। तो ये वाला पार्ट अभी हम देखते हैं कैसे हमें प्ले करना है। बी स्ट्रिंग पे स्टार्ट करना है 11, फिर 8 9 ई स्ट्रिंग पे, फिर 8 अगेन। तो 8 11 8 9 8, फिर हमें हैमर ऑन पुल ऑफ करना है इस तरह से। कैसे होगा ये? तो 8 पे प्ले किया, 9 पे प्रेस किया और उसको रिमूव कर दिया फिंगर को इस तरह। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप स्लाइड यूज कर सकते हो इस तरह से, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको। फिर हाफ पार्ट और देखते हैं। हाफ पार्ट भी हमारा सेम ही है। तो अभी आपने देखा होगा दो बार आता है ये वाला पार्ट। तो फिर इसके चलते अपन नेक्स्ट पार्ट पे, सेकंड जो लाइन है वहां पर। तो दोस्तों देखते हैं अभी जो एक्स्ट्रा पार्ट है जो फर्स्ट लाइन के बाद आएगा। जैसे कि अभी फर्स्ट लाइन हमने प्ले किया, ये वाला पार्ट तो हमें स्टार्ट करना है। ये हमारा 11 to 13 है। 13 को दो बार और प्ले किया, फिर ये हैमरॉन पुल ऑफ किया 11 से 13 पर। तो ये सिर्फ हैमरॉन चल रहा है 11 to 13, 9 to 11, सॉरी 8 to 9, और यहाँ पे आके ये खत्म हो जाएगा पार्ट, यानी 6 पर इस तरह से। तो एक्स्ट्रा पार्ट था, तो ये अभी आपको समझ में आया कैसे प्ले करना है। फिर अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब हमें स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड लाइन से। तो ऐसे आ जाएगा जी, तो वैसे ही सेम है ई बी 11 ई 8 ई 9 ई 8, फिर हैमर ऑन पुल ऑफ 8 9 8, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 11। तो ऐसा आ जाएगा ये। फिर नेक्स्ट लाइन मतलब हाफ पार्ट इसका क्या है, तो ऐसे आ रहा है ये 11 11 बी स्ट्रिंग पे, फिर E8 E11 E8, फिर हमारा आएगा B स्ट्रिंग पे 9 7, और फिर 7 to 9 9 to 11 स्लाइड किया, सॉरी 9 7, फिर 9 to 11 स्लाइड किया। फिर थोड़ी मल्टीपल टाइम्स प्ले करना है जब तक हमारी मेट्रोनोम चल रही है। तो वहां पे 3 टाइम और एक्स्ट्रा आ जाएगा इस तरह से। तो कैसा आ जाएगा सेकंड पार्ट पूरा प्ले करते हैं। अभी सेकंड पार्ट आपने देख लिया अच्छे से, मैंने दो बार करके दिखा दिया आपको स्लो स्लो। अब चलते हैं अपनी थर्ड वाली लाइन पर। सो दोस्तों आपको थर्ड वाला पार्ट स्टार्ट करने से पहले आपको दो नोट एक्स्ट्रा प्ले करने। लास्ट में हमने ये प्ले किया था 11 पे हमारा एंड हुआ था, फिर उसके बाद ई स्ट्रिंग पे 9 और 8 और आपको एक्स्ट्रा ऐड करने। फिर उसके बाद आपको मिल जाएगा थर्ड वाले पार्ट में जो आपको प्ले करना है। इसके बाद ये वाला पार्ट आता है, देखते हैं कैसे प्ले करना है। सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है बी स्ट्रिंग के ई स्ट्रिंग के 9th फ्रेट से, 9 8, बी स्ट्रिंग पे 9, देन जी स्ट्रिंग पे 10, फिर बी स्ट्रिंग पे 9 to 11, और सेकंड फिंगर वहीं पे हमें रहने देनी है। फिर ई स्ट्रिंग पे 9 और 8 ऐसा आ जाएगा। अब चलते हैं अपनी फोर्थ वाली लाइन पर। जैसा कि आपने देख लिया, एक बार मैं पूरा प्ले करता हूँ। तो मैंने भी दिखाया आपको फर्स्ट लाइन, इतना मैं देख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। सो अभी स्टार्ट करते हैं अपने फोर्थ वाले पार्ट से।
कैसे आएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा B11 से, B11 B14 फिर 14 ही चलता रहेगा हमारा E स्ट्रिंग पर, B14 के बाद E14 है, फिर 14 से 16 पे गए, फिर 13, फिर आएगा 11, फिर 9, फिर 11 टू 13 स्लाइड किया, फिर इस तरह से कर सकते हो। तो ये कैसे आ रहा है, 11 से 13 आ रहा है, ऐसे कर सकते हो या फिर आप सिंपल कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको मतलब रिजॉल्व करना है इस पार्ट को, तो आप ऐसे भी कर सकते हो 11 9 8 6 ऐसे करके, फिर वापस से वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे करके आपने पूरा वाला पूरा पार्ट देख लिया जो मैंने प्ले किया था अभी। तो अगर दोस्तों आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, बाय, टेक केयर।